सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही शानदार तेजी, लगभग 13-14% की तेजी। और ऐसे नहीं कि आज ही के दिन स्टॉक में हमें इस प्रकार की रैली देखने को मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक तरफा हमें बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी 17% की तेजी, 6 मंथ में 35%, साल भर में 66%, और बाकी 5 साल की बात करें तो लगभग 450% तक की तेजी। और खास करके इस बॉटम लेवल से जो तेजी स्टॉक ने दिखाना शुरू किया, जो रिकवरी स्टॉक ने दिखाना शुरू किया, अभी तक वो तेजी पिछले 1-1.5 साल से इसी प्रकार के हमें लगातार कंसिस्टेंसी कंटिन्यू देखने को मिले। और आज के दिन की इस तेजी के चलते स्टॉक ने फिर से अपना फ्यूचर वीक के साथ साथ अपना एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई भी हमें अचीव करते देखने को मिला। और ये जो तेजी स्टॉक में हमें आज के दिन इस प्रकार के देख 13-14% तक की तेजी, मतलब स्टॉक इतने कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद भी, इतने टॉप पे होने के बाद भी, उसके बाद भी जो आज के दिन एक ही दिन में जिस प्रकार के 13-14% की रैली स्टॉक ने दिखाया, तो उस तेजी के पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज है, ज्यादा ऐसा बोल सकता हूँ। और उस न्यूज के पीछे का कारण की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस। तो अगर हम जेफरीज की बात करें तो जेफरीज के मानना है कि ये स्टॉक ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में एक तरफा कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है जेफरीज को कि स्टॉक में और भी बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आगे और भी इस लेवल से पोटेंशियल है कि और भी 19% तक के आपसे रैली दिखा सकता है। बट ऐसा क्यों, मतलब स्टॉक इतने भागने के बाद भी इतने टॉप पे हर किसी को कमाल के प्रॉफिट बना के दिया, फिर वो उनको ऐसा क्यों लगता है कि स्टॉक आगे और भी 19-20% तक की रैली दिखा सकता है और आगे शॉर्ट टाइम के अंदर ये 5,200 तक की टारगेट ये दिखा सकता है। तो उसके पीछे का रीजन की बात करें तो कुछ वैलिड रीजन में उन्होंने मेंशन किया, जो कि एज अ इन्वेस्टर अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, था कि अगर कोई दूसरे स्टॉक भी है जो कि इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीजें मेंशन किया कि कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो 2,070 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक, जो कि हमें कंपनी के साइज के हिसाब से हमें एक हेल्दी ऑर्डर बुक देखने को मिला, जिनके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे कंपनी एक अच्छे खासा नंबर डिलीवर कर सकते हैं। उसी के साथ कंपनी के इस FY25 के कैपेक्स की बात करें तो कोई सुपर डुपर कैपेक्स तो नहीं, एक नॉर्मलाइज कैपेक्स हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 370 करोड़ के आसपास के कैपेक्स। बाकी कंपनी के ROCE की बात करें तो भी हमें FY25 तक 20% से ग्रो हो सकता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है AC इंडस्ट्री, उसमें कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल जाता है, तो उस AC इंडस्ट्री में लाइकली टू ड्राइव ओवर 30% वॉल्यूम इन FY25 में, मतलब FY25 में ये AC इंडस्ट्री उन्होंने बहुत ही कमा के परफॉर्मेंस दिया। और आगे भी जो बचे कुछ और भी टाइम है FY25 खत्म होने के लिए, उसमें भी कंपनी पूरे FY25 में कंपनी 30% के, मतलब इंडस्ट्री में 30% के वॉल्यूम में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उनके चलते उनके मानना कि अगर इंडस्ट्री में इस प्रकार से ग्रोथ होगा तो AC वाली इंडस्ट्री में देखा जाए अंबर एंटरप्राइज एक बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है, तो ये भी कंपनी आगे बहुत, मतलब अगर बिजनेस अगर इंडस्ट्री इस प्रकार से ग्रो होगा तो आने वाले टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी आगे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स या फिर बहुत अच्छे खासे नंबर ये दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो और एक जबरदस्त कंपनी वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो वारे रिन्यूएबल की बात करें तो ये भी लगातार एक तरफा बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज के दिन भी सीधा 5% के आसपास, 5 दिनों में 18%, 1 मंथ में 32%, बट एग्जैक्ट देखोगे तो मैक्सिमम तेजी हमें इसी 11 सितंबर से देखने को मिला इस 1400 के लेवल से, और अभी तक वो तेजी लगातार एक तरफा हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। हाँ, आज भी देखा जाए तो स्टॉक शॉर्ट टाइम में इतने कमाल के बाउंस बैक दिखाने के बाद भी, आज भी अगर आप इसके एक एक साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो साल भर में आज भी स्टॉक कमाल की परफॉर्मेंस दिया है, 600-650 की प्रॉफिट। बट टॉप पे अगर किसी ने स्टॉक को बाय किया तो आज भी ये स्टॉक टॉप लेवल लगभग लगभग 35-40% तक आपको डाउन देखने को मिलेगा, इतने सॉलिड कमबैक होने के बाद भी। और ये जो गिरावट स्टॉक ने दिखा है उसके पीछे का रीजन भी आपको बताया कि ये स्टॉक गिरने से पहले इस पॉइंट को हमने कवर किया था कि ये स्टॉक आगे जाके एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। उसके पीछे का रीजन था कि भाई इसके वैल्यूएशन जिस प्रकार के स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया, देख सकते हो कि 5-5 साल में टॉप से 40% डाउन होने के बाद भी आज भी 64,000% के प्रॉफिट। और रीजन क्या था कि कंपनी ने इस 1-1.5 साल 2022 से लेकर 2023 तक कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त बिजनेस किया, बहुत ही जबरदस्त कमाई किया, और एक स्मॉल कैप से एक बहुत, मतलब बहुत ही डिसेंट मिड कैप कंपनी बन चुके थे जब ये स्टॉक एकदम टॉप पे था, ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी।
उसके बाद आपको बताया कि अगर आपको इसी ग्रोथ को मेंटेन रखना है तो इसी प्रकार के ग्रोथ आपको आगे भी दिखाने पड़ेंगे। तो उस प्रकार की ग्रोथ कंपनी दिखा नहीं पाए, ऐसे कि नंबर बहुत खराब थे, बट क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन दोनों नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे क्यू ऑन क्यू बेस पे। बट आपको बताया कि ये तो कोई लार्ज की कंपनी है नहीं कि चलो नंबर कैसी भी आए कंटिन्यू करना है, इतने प्रॉफिट बना के दिया तो नंबर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो जोरदार हमें प्रॉफिट की बुकिंग देखने को मिला था, और सेम पैटर्न हमें इनमें देखने को मिला। तो लगातार दो क्वार्टर नंबर खराब है तो हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है, और अभी फिर से उसी बॉटम लेवल से, उसी 1400 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक में हमें जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अभी इन स्टॉक के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, दो इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो कंपनी के आने वाले क्वार्टर टू के नंबर, क्योंकि क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन कुछ खास नंबर थे नहीं, डिसअपॉइंटिंग नंबर थे, तभी तो ये स्टॉक इस प्रकार के 50-60% एक तरफा गिरा है। तो क्वार्टर टू के नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नंबर आने से पहले स्टॉक ने बहुत हद तक रिकवरी दिखा चुका है, तो नंबर अगर अच्छा आ गया तो ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू होगा। नंबर खराब आया तो जितना स्टॉक ने बाउंस बैक दिखा है 1400 के लेवल से, साथ से फिर से दोबारा आपको उसी प्रकार की गिरावट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये छोटी साइज की कंपनी। और बाकी दूसरा पॉइंट की बात करें तो जब तक कंपनी के नंबर नहीं आते तो वो रहेगा स्टॉक के टेक्निकल। अभी जिस लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया आज के दिन, ये तो और खास बन चुका है इसके टेक्निकल गिरने का, कौन सी 1900 के लेवल, क्योंकि देख सकते हो कि 1900 और 2000 के लेवल पे स्टॉक ने कितने टाइम कंसोलिडेशन किया, किसी भी हाल में 2000 का जब ब्रेकआउट दे नहीं पाया उसी लेवल से जबरदस्त गिरावट दिखा। तो क्या इस बार इसी तेजी के साथ से, इसी तेजी के साथ क्या इसी हफ्ते स्टॉक क्या इस 2000 को ब्रेकआउट दे पाएगा? अगर ब्रेकआउट दे देता है और उसको सस्टेन करे तो फिर से हमें यहाँ से और भी अच्छे खासे मोमेंटम है, फिर और भी अच्छे खासे रैली हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छे जब 60% 50% गिरा था तब भी कहा था, और आज भी बोल रहा हूँ कंपनी बिजनेस वाइज बहुत कमाल के, बट बिजनेस मिलना चाहिए, बिजनेस मिलेगा तो कंपनी यहाँ तक क्या इसके ऊपर भी आपको अच्छे खर्चे देखने को मिल जाएगा। तो जिनके पास भी कंपनी रिस्क जरूर है, बट अच्छी कंपनी आप जरूर इन कंपनी के साथ चाहो तो बने रह सको। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केपीए ग्रीन। सो केपीए ग्रीन एनर्जी की बात करें तो बहुत टाइम बाद जाके हमें इस प्रकार के एक अच्छी तेजी देखने को मिला, 4.5% की तेजी, क्योंकि अगर आप इसके एक मंथ की ग्राफ को देखोगे तो पिछले एक मंथ से स्टॉक में हमें सिर्फ गिरावट और एक तरफा गिरावट ही देखने को मिला था। तो अच्छी बात है कि बहुत टाइम बाद जाके हमें इस प्रकार के 4-5% की एक अच्छी रैली देखने को मिला। हाँ आज भी देखो तो टॉप लेवल से ये भी स्टॉक आपको 25 से लेकर 26% तक डाउन देखने को मिल जाएगा, और इसके पीछे का रीजन भी आपको बताया कि जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुक, क्योंकि जिस प्रकार के स्टॉक ने प्रॉफिट नहीं दिया, आप सिर्फ 6 मंथ की ग्राफ देख रहे हो इसलिए आपको 8% के पॉजिटिव तेजी नजर आ रहा है, बट अगर आप इसके लॉन्ग टाइम चार्ट को देखोगे 5-5 साल वाले, तो 5 साल वाले के बाद देखो तो कितने कमा के परफॉर्मेंस है, 9.5% के आसपास के प्रॉफिट। तो उसके हिसाब से ये गिरावट 25-26% की गिरावट एक बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही नॉर्मल से गिरावट है, और ये भी कंपनी बहुत ही दमदार है, बहुत ही कमा की कंपनी है। और इसका भी एक सबसे बड़ा चीज जो प्लस पॉइंट है ग्रोथ, अभी तक ये कंपनी इतने कमाल की वो भाग रहे थे क्योंकि छोटी थी और छोटी कंपनी में ग्रोथ बहुत कमाल की होती है। अगर आप इसके कंपाउंडिंग ग्रोथ को देखोगे इनकम से लेकर प्रॉफिट तक, तो 10 साल तो नहीं है, 5 साल में देख सकते हो कि 100% से कंपनी के सेल्स ग्रो हुए, 3 साल में 116% से, अभी तक 66% से ग्रो हो रहा है, सेम प्रॉफिट का भी पैटर्न आपको उसी प्रकार के देखने को मिल जाएगा। और जब किसी की कंपनी के सेल्स 100% से, प्रॉफिट 100% से अगर इस प्रकार से ग्रो होता है तो स्टॉक प्राइस उससे और भी ज्यादा हिसाब से ग्रो होता है। तो स्टॉक प्राइस में इसको 5 साल में 140% से ग्रो हुआ है स्टॉक की प्राइस, 3 साल में 228%, और साल भर की बात करें तो लगभग 200% के आसपास, मतलब जिस प्रकार से कंपनी ग्रोथ दिखा रहा है उससे ज्यादा हमें स्टॉक प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ग्रोथ अभी तक पिछले 4-5 साल कंपनी ने दिखाया, जिनके चलते आज ये कंपनी एक स्मॉल कैप से एक मिड कैप कंपनी बन चुका है, 9.5% तक की रैली दिखा चुका है, क्योंकि आगे भी आने वाले भी कुछ सालों तक ये ग्रोथ क्या इसी प्रकार के दिखा सकता है। तो देखो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भाई कंपनी बहुत धमाकेदार है, और जिस प्रकार के मैनेजमेंट के टारगेट हैं, जिस प्रकार के मैनेजमेंट एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो इतना डिफरेंटली है कि कंपनी एक छोटी कंपनी से स्मॉल कैप बना, स्मॉल कैप साथ मिड कैप, तो आगे पोटेंशियल है कि मिड कैप से भी एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन सकता है, बट उसके लिए हमें फोकस बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, बिजनेस मिलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिजनेस मिलेगा तो ये तेजी आपको आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है। और फिलहाल अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, जब तक कंपनी के नंबर नहीं आते, कंपनी के इस बार भी क्वार्टर टू के नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट जब तक नंबर नहीं आते तब तक जो मेन पॉइंट रहेगा स्टॉक के टेक्निकल, तो चलो अच्छी बात है कि फिर से स्टॉक ने 800 के लेवल को
ब्रेक किया, मतलब ब्रेकआउट दिया और उसी के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। तो मेन चीज है कि 800 को होल्ड करना, 800 को होल्ड करे तो नंबर आने से पहले फिर से आपको जबरदस्त बाउंस पर देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास है नहीं, कोई जाना चाहते हैं, अगर आपको वाकई कंपनी अच्छी लगती है और रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि रिस्की कंपनी है, अभी तक ये स्टॉक गिरावट दिखाई नहीं, इसलिए आपको नजर आ रहा है कि कंपनी तो बहुत दमदार है, बट जब जब इसमें कभी रीजन बनेगा तो इसमें भी आपको ये 25% गिरावट कुछ भी नहीं है, इसमें आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, कि ये छोटी कंपनी है और इसी प्रकार के चलते हैं। तो अगर आप सारे इस रिस्की पॉइंट को झेलने के लिए रेडी हो तो जरूर चाहो तो आप इस टाइम पे थोड़े बहुत क्वांटिटी आप उठाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो, बट ये मेरे साइड से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है नहीं, बहुत ही रिस्की कंपनी है, अगर आप रिस्क लेने के रेडी हो तभी आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सेफली जाना है, चाहो तो क्वार्टर टू के नंबर देखने के बाद भी आप अपना डिसीजन आप ले सकते हो। बाकी कंपनी अच्छी किसी ने टॉप पे खरीदा 1100 के ऊपर तो कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, आज नहीं तो कल आपको फिर से रिकवरी जरूर करते देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक धमाकेदार कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, सो रिलायंस की बात करें तो ये भी एक बहुत जबरदस्त कंपनी, लगभग 3000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और इन स्टॉक ने भी 5-5 साल में कंपनी के साइज के हिसाब से अच्छे परफॉर्मेंस दिया और कंपनी और भी ज्यादा पॉपुलर इसलिए बन चुका है क्योंकि हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:1 का बोनस का अनाउंसमेंट किया, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज है, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्पीड के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस पे आपको उन अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।